What's up guys, welcome back to my channel. Okay, so finally the Royal Pin episode 1. Yes, finally. तो आज मैं एक न्यू नोबल को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसके नेम है द रॉयल पिन, जो अपकमिंग सीरीज फिन बैके की है. तो फाइनली मेरी फैम्स की रिक्वेस्ट पर द रॉयल पिन एपिसोड 1. अब चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. ओके, सो उससे पहले मैं बता दूँ इस स्टोरी की जो दो फीमेल लीड कैरेक्टर्स है उनमें से एक है द रॉयल हाइनेस प्रिंसेस अनिलफत एज बेकी एंड यंग पिन एज फ्रिन. तो आप उन दोनों को इस कैरेक्टर में सेट करो तो आपको समझने में और सोचने में इजी हो जाएगी. एंड एक और बात, जो रॉयल हाइनेस प्रिंसेस है अनिल अफत, उसे मैं एज शॉर्ट में प्रिंसेस अनिल कहूँगी, कॉज बार बार उसकी फुल नेम पर बुलाना इज़ रियली वियर्ड. ओके, सो चलो द रॉयल पिन चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्टिंग में ही देखा जाती है एक बहुत बड़ी ब्लैक प्लम ट्री, जिस ट्री पर एक टॉल गर्ल चढ़ी थी और वो उस ट्री की हर एक ब्रांचेस पर बस जा रही थी बहुत स्मार्टली. उस ट्री की सारे लिप्स रेड कलर की थी और प्लम पर्पल और ब्लैक कलर की, और वो लड़की उस पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल तक ऐसे जा रही थी मानो वो इसमें बहुत एक्सपर्ट है. तो ऊपर जो टॉल गर्ल थी वो ट्री से प्लम्स को नीचे गिरा रही थी, और नीचे की वो लड़की एक कलरफुल स्ट्रिप से वो सारे प्लम्स कलेक्ट कर रही थी, और ये प्रोसेस वो लोग रिपीटेडली कर रहे थे जब तक वो लोग टायर्ड नहीं हो जाती. तो नीचे उस ट्री की शैडो पर जो लड़की ब्लैक प्लम्स को कलेक्ट कर रही थी उसकी नेम है प्रिक. तो वो अपनी रॉयल हाइनेस प्रिंसेस अनिल को कहती है कि माय लेडी, आई थिंक ये इनफ है, अब आपको नीचे आ जाना चाहिए, आपको कोई देख लेगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी. पर अनिल कहते हैं नो, स्टिल मैं इसे बहुत इन्जॉय कर रही हूँ और आई डोंट थिंक कि कोई मुझे देख लेगा. तो अब सोच सकते हो कि ये प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा शरारती और नॉटी है. वो प्रिक की बात नहीं सुनती है और कंटिन्यूसली प्लम्स को नीचे गिरा रही थी. वो अगेन एंजॉय करते हुए चिल्ला रही थी एंड स्टिल रेड ब्लैक प्लम्स को नीचे गिरा रही थी. तो प्रिक को मेंशन करनी पड़ती है उसकी क्लोजेट गवर्नमेंट प्रोचम की, जो इस पूरे प्लेस की इंस्पेक्टिंग इंचार्ज है, जिसके ऊपर इस पूरे एंटायर प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर कोई भी सर्वेंट गलती करता है तो उसे पूरे हक है उसे पनिशमेंट देने का. तो प्राचम की बॉडी एकदम एक जायंट बॉडी की तरह है, उसकी फेस बहुत ड्राई है और उसकी फेस पर एक मूछे भी है और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है. बस सारे सर्वेंट से नहीं डरता है, प्रिंसेस अनिल को भी पता है कि वो उसके भी दुश्मन हैं, कॉज वो बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है और प्राचम इसे टॉलरेट नहीं करता है. प्रिक जल्दी से कहती है माय लेडी प्लीज़ आप नीचे आ जाइए, वो बस यहाँ आने ही वाला है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए. तभी उस ट्री से प्रिंसेस अनिल धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिरती है एंड इट वॉज एब्सोल्युटली रिडिक्यूलस. पर जो नीचे गिरा है वो कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है, वो इस प्लेस की यंगेस्ट प्रिंसेस है और यहाँ पे जब से प्रिक की बर्थ हुआ है वो तब से यहाँ रुक रही है. बट फिर भी एक टॉल लड़की की ऐसे नीचे गिरना ये थोड़ी अजीब सी तो है. प्रिक लाउडली कहती है ओ माय गॉड. प्रिंसेस अनिल कहती है काम डाउन, मैं मरी नहीं हूँ, बस मेरी नीज पर चोट आई है. प्रिक कहती है हाँ ऑफ कोर्स आप नहीं मरे हो, पर मैं मर जाऊंगी, इसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगी. एंड उसे बहुत बैड लग रही थी कि राजकुमारी अनिल इस चीज़ को एक फन तरीके से ले रही है. राजकुमारी अनिल कहती है तुम्हें क्या लगता है ये बहुत फनी है ना, मैं अपने बैक पर बहुत पेन फील कर रही हूँ. एनीवे
कहाँ है पचम, कहाँ है वो? प्री कहते हैं, ओह माय लेडी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बस पनिशमेंट पाने की डर में आपसे झूठ बोला। प्रिंसेस कहती है, प्रीग आर यू किडिंग मी? फिर वो ऐसा प्रिटेंड करती है लाइक वो बहुत सीरियस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझसे झूठ कहा? तुम्हें पता है ना कि मैं प्राचम से बहुत डरती हूँ, इवन मोर देन माई फादर। प्रीग जल्दी से माफ़ी मांगने के लिए अपने दोनों हाथ को होल्ड करते हुए प्रिंसेस के पैरों के नीचे रखती है और मरने की डर से उसकी हेड ऑटोमेटिकली नीचे हो जाती है। प्रिंसेस कहती है, बट मेरी नीज से ब्लीडिंग हो रही है, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे झूठ को छोड़ दूँ? प्रिंसेस अनिल जब नोटिस करती है कि प्रीग उनकी बातों पर एक बर्ड के बच्चे की तरह बस शेक कर रही है, तो वो उसे देखकर स्माइल करती है। वो कहती है, अगर मैं इस हालत पर पैलेस जाऊंगी तो सारे सर्वेंट्स पैनिक करेंगे। मैंने अभी भी अपनी माँ का नाम, अपनी फादर का नाम और अपने बड़े भाई का नाम मेंशन नहीं किया। प्रिंसेस अनिल स्टिल ये सब कुछ बोलकर प्रीग को परेशान कर रही थी। प्रीग जल्दी से कहती है, आई एम रियली सॉरी माई लेडी, प्लीज़ अब मुझे पनिशमेंट मत दीजिए। तो प्रीग को ऐसे शेक करते हुए देखकर प्रिंसेस डिसाइड करती है कि वो अपने क्लोजेस्ट सर्वेंट यानी कि प्रीग को और बुली नहीं करेगी। अनिल कहती है, या फिर मुझे अपनी नीज पर बैंडेज करवाने के लिए बुआ चंपो पैलेस पर जानी होगी। फाइनली वो प्रीग के लिए एक रास्ता ढूंढते हैं। व्हाट अ ग्रेट आइडिया, प्रीग बहुत हैप्पी होते हैं। प्रिंसेस कहती है, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पर प्रीग सोच रही थी कि शायद प्रिंसेस अभी भी उसके साथ टीज़ कर रही है, कॉज उससे वो बात रियलाइज नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रिंसेस अगेन ग्राउंड से प्लम्स को उठाने में बिजी थी। प्रिंसेस कहती है, कम ऑन इधर आओ और मुझे उठाओ, बस इस ब्लैक प्लम्स को कंसर्न दिखाने से कुछ नहीं होने वाली है। लेडी अनिल ग्राउंड से उठने के लिए खुद को बहुत फोर्सफुली पुश करती है। वो कहती है, तुम मेरे लिए बहुत वरीड होगे राइट? प्रीग कहती है, मैं आ रही हूँ। वाई, मैं ऐसे फ्रूट्स और गर्ल दोनों को ऐसे कैरी क्यों करूँगी? प्रिंसेस अनिल कहती है, मैं डर रही हूँ कि तुम मुझे और भी ऊंचाई पे ना भेज दो। एंड एज यूजुअल वो अपनी आर्गुमेंट करती है और हंसती है। अगर प्रिंसेस अनिल की जगह यहाँ कोई और होती तो प्रीग उनसे आर्गुमेंट करने की हिम्मत भी नहीं करती, कॉज पनिशमेंट की डर से और उसे इस पैलेस से बाहर निकाल दी जाएगी इस डर से। पर वो जब राजकुमारी के साथ होती है तो वो आर्गुमेंट करती है, कॉज राजकुमारी भी इस आर्गुमेंट के फेवर में है। तो प्रिंसेस भी प्रीग को अपनी एक सर्वेंट की तरह नहीं, उसे अपनी एक क्लोज फ्रेंड की तरह मानती है और उसे एसोसिएट करती है एज एन इंस्पायरेबल बडी। जब प्रिंसेस फर्स्ट मॉर्निंग अपने नींद से जागती है तो फर्स्ट थिंग वो प्रीग को देखेगी। फिर जब वो अपनी स्कूल ख़त्म करके वापस आती है तो जल्दी जल्दी अपनी क्लॉथ चेंज करती है और एवरीडे किचन पे प्रीग से मिलने के लिए जाती है। एंड एवरीडे एक साथ शरारत करने के लिए प्रीग को राजकुमारी अनिल के साथ रहना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किचन से स्नैक्स चोरी करना, जो स्पेशली गार्ड देती है माइपन, और फिर जो हेड शेफ है वो अपने खाने को बहुत ध्यान से गार्ड देता है पर फिर भी वहाँ से फ्राइड राइस चोरी करना, एंड ऑल्सो वहाँ पे डरावनी भूत बनके शेफ को डराना और गेट पे खड़े होके गार्ड्स को डराना, ये सब तो कॉमन बात है। और ये काम वो दोनों मिलकर एक साथ करती है। और ट्रेस पे उठ के फ्रूट्स को चोरी करने की बात मेंशन तो करना ही नहीं पड़ता है, कॉज वो दोनों कंस्टेंटली ये सब कुछ करती है। और वो दोनों इतनी ज़्यादा नॉटी है कि देख देख कर वो बड़े बड़े ट्रीज को ही चुनती है, जो खास करके फ्रचम यानी कि वो जाइंट बॉडी वाला उन सब की देखभाल करता है। और ये भी बोल सकते हो कि
प्रिंसेस कभी अगर जान जाती है कि उसकी फादर सबसे ज़्यादा कौन सी ट्री को लाइक करता है, तो प्रिंसेस अनिल और प्री के लिए नेक्स्ट डे तो वही ट्री टारगेट रहेगी। एंड नाउ इस जायंट ब्लैक प्लम ट्री की हालत पहले की ट्री की तरह ही बन चुका है। इस ट्री पर फ्रूट्स रहता ही नहीं है। प्रीक कहता है, माय लेडी जस्ट टेक इट इजी। प्रीक ये बात इसलिए कहती है कॉज वो प्रिंसेस अनिल को बुआ चंपू पैलेस की ओर लेके जा रही थी। इस पैलेस की नाम आती है उसी पैलेस की सामने की एक पॉन्ड से, जहाँ पर पिंक कलर की बहुत सारे लोटस हैं। तो वो पैलेस आ जाती है। ये पैलेस बहुत सिंपल सी है, येलो कलर की टू स्टोरी वुडन पैलेस है। मतलब उस पैलेस पे एक हाउस नहीं, एक हाउस के ऊपर और भी एक हाउस है। और यहाँ पर रहते हैं प्रिंसेस पद्मिका। वो एक डिस्टेंट रिलेटिव है, पर राजकुमारी अनिल जिस पैलेस पर रहती है उनके साथ उनकी डीप रिलेशनशिप है। तो प्रिंसेस पद्मिका फादर कज़िन है ऑफ द प्रिंसेस सावितवारित, जहाँ पे राजकुमारी रहती है। उनकी बहुत सारे मिस्ट्रेसेस, सन्स एंड डॉटर्स है। तो एक दिन लेडी क्लाई जो सावितवारित पैलेस की माँ होती है, वो एक सन को जन्म देती है और अपने यंगेस्ट डॉटर से बहुत भावित हुई थी। और राजकुमारी पद्मिका उस लड़के को अडॉप्ट की थी और उसे अपनी असली बेटी की तरह पाल रही थी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि राजकुमारी पद्मिका सावितवारित पैलेस के साथ एक रियल सिबलिंग की तरह ग्रो अप की थी। एंड एज अ यंग वुमन इन द पास्ट, राजकुमारी पद्मिका उस पैलेस पर अपने लॉर्ड की सेवा कर रही थी। पर उनकी डेथ के बाद प्रिंसेस पद्मिका डिसाइड करती है कि वो ये ग्रैंड छोड़ देगी। फिर लेडी क्लाई एक विल करती है कि सावितवारित की पैलेस पर उसके लिए एक छोटी सी प्लेस बनाई जाएगी। तो राजकुमारी पद्मिका शादी नहीं की थी, वो अपने एक सर्वेंट के साथ इस पैलेस पर रहती है। एंड 2 साल पहले वो राजकुमार पिया से उनकी ओनली वन डॉटर पिलांतीता को वो अडॉप्ट करती है। और यही होती है इस स्टोरी की सेकंड लीड कैरेक्टर की नेम, पिलांतीता कशिदित या फिर लेडी पिन, जिसकी कैरेक्टर फ्रीन प्ले करेगी। तो लेडी पिन एक्चुअल में प्रिंसेस पद्मिका की बड़े भाई की बेटी है। कॉज लेडी पिन के मॉम डैड यानी कि उनके भाई और उनकी वाइफ की एक बोट एक्सीडेंट में उन सब की डेथ हो गई थी। तो पिलांतीता कशिदित या फिर लेडी पिन या फिर खुन पिन, जो कि बहुत ही एक प्रिटी गर्ल है, पर वो अपनी बुआ यानी कि प्रिंसेस पद्मिका की डिसिप्लिन पर बहुत ही शाय पर्सन बन चुकी है। लेडी पिन अपनी एज की बाकी लड़कियों से बहुत ज़्यादा शांत है। स्पेशली अगर प्रिंसेस अनिल से कंपेयर की जाए तो वो बस उससे 1 साल बड़ी है। लेडी पिन कहती है, प्रिंसेस तुम्हारे साथ क्या हुआ है? लेडी पिन की स्वीट फेस एकदम टेंस में आ जाती है। प्रीक कहती है, वो ट्री से नीचे गिर गया है, वो एक बंदर की तरह वहाँ पे चल रही थी। तभी बहुत लाउडली राजकुमारी उसके नाम लेती है और कहती है कि उसे इतनी दोष मत दे। तो प्रीक जल्दी से अपने हेड को नीचे करती है। वैसे तो लेडी पिन की आइज बहुत स्वीट है, पर वो जब गुस्से में आ जाती है तो उनकी आइज प्रिंसेस पद्मिका की आइज से भी बहुत डरावनी लगती है। लेडी पिन कहती है, मैं भी चाहती हूँ बंदर बनना जैसे कि प्रीक ने कहा। पर ये बोलने के बाद वो स्माइल नहीं कर रही थी, उनकी फेस बहुत सीरियस थी। फिर वो प्रिंसेस के नीज पे देखती है जहाँ पे उसे चोट आई थी और वो कहती है कि मैं तुम्हारी इस चोट पर बैंडेज कर दूँगी। वो थोड़ी गुस्से में थी, बहुत सीरियस थी, पर उनकी वॉइस बहुत सॉफ्ट थी। ओके गाइस, एपिसोड 1 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत लंबी है, तो बाकी की स्टोरी हम पार्ट 2 में जानेंगे। स्टिल मैं थोड़ी स्किप भी नहीं कर पा रही हूँ, कॉज अगर अभी स्किप करेंगे तो बाद में क्या
कौन कैसी कैरेक्टर है समझने में बहुत मुश्किल आ जाएगी। ओके, तो जितना हो सके थोड़ी बोरिंग पार्ट को स्किप करके जितना मेन थीम है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो या आप लोगों की रिक्वेस्ट पर फाइनली द रॉयल पिन एपिसोड 1। अब नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आएगी ये तो मैं नहीं कह सकती, बिकॉज ये थोड़ी प्रिंसेस वाली स्टोरी है ना, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आएगी, समझने में थोड़ी मुश्किल आएगी, तो इसलिए मुझे भी थोड़ी टाइम लगेगी। बट हाँ, ट्राई करूँगी पार्ट 2 को बहुत जल्दी लाने की। सो यहाँ पर ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। अगर पसंद आती है तो फिर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।